उन्होंने कहा कि जो है बहुत बड़े नेता बन गए हो, तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बेइज्जत करना शुरू किया। मैंने कारण पूछा तो कारण ना कोई भी कारण ना बता के सब अभद्रता की मेरे साथ, थप्पड़ मार दिया। वही अभद्रता हमारे साथ की, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। थप्पड़ की आवाज दूर तलक जाएगी। श्याम के सम्मान का हो गया अपमान। यूपी में गर्म हो गई सियासत। धौरहरा से बीजेपी सांसद रेखा वर्मा को क्या हो गया, क्यों बिफर गईं, किस वजह से गुस्से की आग की बारिश कर उस सिपाही को अपने अहम का निवाला बना लिया जो उनकी सुरक्षा में लगे थे। एस्कॉर्ट ड्यूटी में लगे सिपाही श्याम सिंह ने धौरहरा से बीजेपी सांसद रेखा वर्मा पर संगीन इल्जाम लगाया है। इल्जाम यही है कि श्याम के सम्मान को बीजेपी की रेखा ने ठेस पहुंचा दी। रेखा वर्मा बीजेपी से सांसद हैं। रेखा अपने गांव मकसूदपुर जा रही थी तो इस दौरान मोहम्मदी कोतवाली पुलिस की एक गाड़ी उनको एस्कॉर्ट कर रही थी। इस एस्कॉर्ट में शामिल सिपाही श्याम सिंह का आरोप है कि धौरहरा सांसद ने बीच रास्ते में उसको थप्पड़ रसीद कर दिया और जमकर अभद्र व्यवहार किया। श्याम सिंह, कल माननीय सांसद जी का दोबारा सांसद बनने पे चेयरमैन जी के आवास पे उनका रेखा वर्मा चेयरमैन साहब के आवास पे उनका जो है स्वागत रखा गया था, जिसमें हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई हुई थी। जब ड्यूटी समाप्ति के बाद हम लोग उनका एस्कॉर्ट करने के लिए उनके बॉर्डर तक छोड़ने के लिए गए, जिसमें मैं, कांस्टेबल पंकज राजपूत, कांस्टेबल विवेक रावत, एसआई गौरव सिंह, एसआई अरुण कुमार, पांच लोग मौजूद थे। बॉर्डर तक छोड़ने के बाद पंकज इनका पहले गनर रहा है माननीय सांसद जी का, उनकी उसने पूछा कि जो मैडम से मैं पूछ लेता हूँ कि यहीं तक छोड़ना है कि आगे, तो मैडम से उसने बात की। मैडम ने कहा यहीं से जो है आप लोग यहाँ से जो है रिटर्न हो जाइए। हम लोग उस गाड़ी में, पंकज ने कहा रिटर्न कर लीजिए, हम लोग तुरंत वहाँ से रिटर्न हुए। वो सांसद जी आगे अपनी निकल गए। हम लोग 500 मीटर या 1 किलोमीटर समथिंग दूरी पे पहुँचे थे, पंकज के पास दोबारा फ़ोन आया माननीय सांसद जी का। उन्होंने कहा कि गाड़ी रोक दीजिए और वापस आ जाइए। तो पंकज ने मुझे बताया कि गाड़ी रोक दीजिए और वापस चलिए, मैडम बुला रहे हैं, साहब कहीं जाना है। तो हम गाड़ी मोड़ ही रहे थे तब तक माननीय सांसद जी वापस आ गई और सभी लोगों को उन्होंने बुलाया। हम गाड़ी पे, तो उन्होंने कहा ड्राइवर को बुलाया गाड़ी में, उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, उन्होंने ड्राइवर को बुलाइए। मैं पास में गया, उन्होंने पास बुलाया, मैंने कहा जी मैं आदेश करें, तो उन्होंने कहा कि जो है बहुत बड़े नेता बन गए हो, तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बेइज्जत करना शुरू किया। मैंने कारण पूछा तो कारण ना कोई भी कारण ना बता के सब अभद्रता की मेरे साथ। उसके बाद जो है उनसे कोई भी कारण, बिना कोई कारण बताए वहाँ से चले गए, जिस तरीके से मुझे काफ़ी क्षति हुई है। अभद्रता में क्या किया, गाड़ी क्रॉस किया है, थप्पड़ मार दिया, वही अभद्रता हमारे साथ की, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। जिससे विरोध नहीं किया? मैंने विरोध, उनसे कारण पूछा, उतने में वो शीशा चढ़ाई और वापस चली गई। एक मिनट वहाँ रुकी, शिकायत किसकी? साथ ही वर्दी उतारने की धमकी दे डाली। ये आरोप सियासी गलियारे में गूंज रहा है तो बीजेपी को मजबूर होकर सामने आना पड़ रहा है। आखिर फसीयत जो हो रही है, सियासत यही है, यहाँ हर कदम भूख भूख कर रखे जाते हैं।